महाराजगंज जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जारी अभियान के क्रम में थाना सोनौली व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरान 3 शातिर तस्कर गिरफ्तार हुए। कब्जे से कुल 60 ग्राम नाजायज हीरोइन बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजे गए। देखें इस संदर्भ में किसने क्या कहा। जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना सोनौली पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध व्यक्तियों अवलिक वाहनों की चेकिंग के दौरान 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो सोनौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से क्रमशः 15, 20 और 25 ग्राम कुल 60 ग्राम नाजायज हीरोइन बरामद हुई है। इस संबंध में थाना सोनौली पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन द्वारा लगातार एनडीपीएस और अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना सोनौली द्वारा 2 अलग अलग स्थानों से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 60 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उनको न्यायिक अभिरक्षण दिया जा रहा है। वॉचिंग दिस वीडियो टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।